तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम दो बड़े कंपनी के इलेक्ट्रिक कार्गो ऑटो रिक्शा का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कौन से इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा में सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस हमें मिल रहा है। तो कंपैरिजन को शुरू करने से पहले शाबूल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए देखते हैं ये दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा में कौन सा ज्यादा परफॉर्मेंस हमें दे रही है। दोस्तों इस कंपैरिजन में पहली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा हम ले रहे हैं ग्रूस कार्टन की तरफ से आने वाली ग्रूस अल्ट्रा को, और इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को बजाज की तरफ से आने वाली बजाज मैक्सिमम E-Tech 9.0 के साथ कंपैरिजन करेंगे। ये दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा भी L5 कैटेगरी में आते हैं और ये दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर हम पिकअप वैन को ही कंपैरिजन में लेने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की ट्रे साइज के साथ, जो कि कार्गो ऑटो रिक्शा के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो वहीं से शुरुआत करते हैं। ग्रूस अल्ट्रा के अंदर हमें 5.4 फीट की लेंथ के साथ और 4.7 फीट की विड्थ के साथ और लगभग 1 फीट का हाइट का पिकअप वैन का ट्रे साइज हमें मिलता है। और हम बजाज मैक्सिमा के अंदर देखा जाए तो इसके अंदर हमें 4 फीट का लेंथ और 4.6 फीट का वेड्थ और लगभग 1 फीट का हाइट तो मिल जाता है। अगर हम मिलीमीटर्स के अंदर देखेंगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है और बजाज के अंदर थोड़ा छोटा ट्रे दिया गया है एज कंपेयर टू ग्रूस अल्ट्रा। अगर हम पेलोड कैपेसिटी देखा जाए तो ग्रूस अल्ट्रा के अंदर हमें ऑफिशियली 507 केजी का पेलोड कैपेसिटी बताया गया है। अगर हम मैक्सिमा के अंदर देखा जाए तो ऑफिशियली तो कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया, लेकिन 500 केजी का पेलोड कैपेसिटी आराम से इसके अंदर हम कैरी कर सकते हैं। तो लगभग दोनों के अंदर हमें पेलोड कैपेसिटी सेम ही मिल रहा है। और इस पेलोड कैपेसिटी के साथ हम अगर ये दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की टॉप स्पीड देखा जाए तो ग्रूस अल्ट्रा के अंदर हमें लगभग 50 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है और बजाज मैक्सिमा के अंदर 40 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड दी गई है। और इन स्पीड को देने वाली मोटर की अगर बात की जाए तो ग्रूस अल्ट्रा के अंदर जो मोटर दी गई है उससे हमें 9.3 किलोवाट की पीक पावर मिलती है और 49 Nm का टॉर्क हमें मिल रहा है ग्रूस अल्ट्रा के अंदर। अगर मैक्सिमा की बात की जाए तो इसके अंदर एडवांस PMS मोटर दी गई है जिससे हमें कंटिन्यूअस पावर 4.5 किलोवाट की मिलती है और 36 Nm का टॉर्क हमें इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर दिया गया है। और ग्रेडेबिलिटी जो है हमें ग्रूस अल्ट्रा के अंदर 21.3% दिया गया है। अगर हम डिग्री के अंदर देखा जाए तो 12 डिग्री के इसके अंदर बताया गया है। अगर बजाज मैक्सिमा के अंदर हम देखेंगे तो मैक्स जो ग्रेडेबिलिटी है वो 29% की बताई गई है। और इसके साथ साथ अगर रेंज की बात की जाए तो यहाँ पे ग्रूस अल्ट्रा के अंदर हमें ऑफिशियली ट्रू रेंज जो है वो 105 किलोमीटर पर चार्ज बताया गया है। वही पे बजाज मैक्सिमा के अंदर हमें यहाँ पे सर्टिफाइड रेंज जो है वो 149 किलोमीटर का बताया गया है। यहाँ पे ट्रू रेंज या ऑन रोड ड्राइविंग रेंज या रियल वर्ल्ड ड्राइविंग रेंज नहीं मेंशन किया गया है बजाज के तरफ से। और इस रेंज को देने के लिए और मोटर को पावर देने वाली बैटरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे दोनों के अंदर भी लिथियम आयन की बैटरी दी गई है। ग्रूस अल्ट्रा के अंदर 51.2 वोल्टेज की 10.8 किलोवाट आवर की बैटरी दी गई है। इसको चार्ज करने के लिए आउटबोर्ड चार्जर 2 किलोवाट का दिया गया है जिससे हमें 5-6 घंटे के अंदर इस ऑटो रिक्शा को फुल चार्ज कर सकते हैं। अगर हम बजाज मैक्सिमा के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर हमें 8.9 किलोवाट आवर की बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करने के लिए 16 Amp का ऑनबोर्ड चार्जर दिया गया है जिससे हम इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को 4-5 घंटे के अंदर फुल चार्ज कर सकते हैं। और इन परफॉर्मेंस के अलावा ये दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा में कंपनी से मिलने वाला सपोर्ट यानी वारंटी की अगर बात की जाए तो दोनों के अंदर अभी हमें 3 साल या 80,000 किलोमीटर पे वारंटी दी जा रही है। और इस वारंटी के साथ इस परफॉर्मेंस के साथ हम अगर इन दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की एक शोरूम प्राइस देखा जाए तो ग्रूस अल्ट्रा 3,69,000 से शुरू होती है और बजाज मैक्सिमा की एक शोरूम प्राइस 3,56,326 रुपीस से शुरू होती है। इन परफॉर्मेंस के अलावा इन दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा में मिलने वाले न्यू फीचर्स के अगर बात की जाए तो ग्रूस अल्ट्रा के अंदर हमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है और IoT मोबाइल कनेक्टिविटी मिलती है जिसके अंदर हम जियो फेंसिंग और बैटरी मोटर परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। और बजाज मैक्सिमा के अंदर ये दोनों ऑप्शन के साथ साथ यहाँ पे हील होल्ड असिस्ट मिलता है और रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी बजाज मैक्सिमा के अंदर हमें दिया गया है। शायद इसी वजह से इसका रेंज जो है वो ज्यादा दिखाया गया है। अगर हम इन दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की अगर कंक्लूजन देखा जाए तो बजाज मैक्सिमा के अंदर ग्रूस अल्ट्रा से भी कम फीचर्स कम परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। अगर हम मोटर पावर की बात की जाए अगर टॉर्क की बात की जाए तो बजाज मैक्सिमा के अंदर कम मिल रही है और लोडिंग ट्रे की साइज भी मिलीमीटर्स में अगर देखा जाए तो कम ही मिल रहा है हमें। इसके अलावा बजाज मैक्सिमा के अंदर कम बैटरी मिल रही है ग्रूस अल्ट्रा से भी, लेकिन जो रेंज जो है वो ज्यादा बताया गया है जो कि सर्टिफाइड रेंज है, ट्रू रेंज नहीं है। ट्रू रेंज कम ही मिल सकता है क्योंकि बैटरी जो छोटी है। और इसके अलावा ये रेंज बताने का जो मेन रीजन होगा वो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, जब भी हम ब्रेक मारते हैं तो बैटरी ऑटोमेटिक चार्ज होने लगती है तो उसी वजह से थोड़ा बहुत रेंज ज्यादा मिल सकता है। इसके अलावा ये ग्रूस अल्ट्रा के जो कंपैरिजन में देखा जाए तो परफॉर्मेंस के मामले में बहुत ही कम है। अगर
अगर हम ग्रीव्स अल्ट्रा की बात की जाए तो इसके अंदर आउटबोर्ड चार्जर दिया गया है और काफी अच्छा परफॉर्मेंस इसके अंदर भी प्रोवाइड किया गया है। अगर टोर की बात की जाए, मोटर की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो काफी अच्छा हमें ग्रीव्स अल्ट्रा के अंदर मिल रहा है, लेकिन थोड़ा प्राइस भी ज्यादा दिया गया है ग्रीव्स अल्ट्रा का। तो दोस्तों ये था ग्रीव्स अल्ट्रा और बजाज मैक्सिमा ईटेक 9.0 का कंपैरिजन। इन दोनों में से आप कौन सी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लेना पसंद करोगे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए और इसी तरह के इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं एक और इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।